अरे सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना, और अगर नरक में जाऊं तो क्या भेजूं? वहां से अपनी वीडियो भेज देना, हम भी तो देखें बीबी को सताने वाले किस हाल में हैं। हेलो मम्मी, मुझे फिर से शादी करनी है। दूल्हा भले वही रखो लेकिन मुझे फिर से शादी करनी है। क्यों, तुमने मेरी शादी में हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन ये सब तो की नहीं। हल्दी लगाया तो था, उसे हल्दी फंक्शन बोलते हैं? एक ही ड्रेस पहना के 5 दिन तक सुबह शाम बॉडी पे हल्दी लगाने को हल्दी फंक्शन नहीं बोलते? ज्यादा बकवास की तो फोने पे चप्पल फेंक के मारूंगी। तुम लोगों को क्या दुख बताएं अपना, हमने आज तक सफेद कपड़ा पहन के होली नहीं खेली, पुराने कपड़े पहन के होली जलाती है। होली आ रही है, अब देखना पल पल में रंग बदलने वाले लोग भी बोलेंगे मुझे रंग मत लगाना, रंग से एलर्जी है मुझे। भगवान के जमाने में जिसे हम मायावी राक्षस कहते थे, कलयुग में उसे हम रिश्तेदार कहते हैं। फरवरी प्रेमी की, होली देवर की, फिर महीना जेठ का, करवा चौथ पति का, अहोई अष्टमी बच्चों की, भाई दूज और रक्षाबंधन भाइयों के। अरे भैया, हम महिलाओं के लिए भी कुछ है क्या? कुछ है, कुछ भी है। हम महिलाएं, दबाव चाहिए हमें, हम क्या अमृत पीकर आए हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं है? फीलिंग वेरी इमोशनल, दबाव चाहिए हमें। कितनी आवाज कर रहे हो तुम, मुंह बंद करके नहीं खाया जाता तुमसे? इरिटेट कर रखा है। मैं खा रही हूँ, आ रही है आवाज? अरे मैं तो सिर्फ खाते हुए आवाज कर रहा हूँ, तुम तो पूरे दिन चपड़ चपड़ करती हो, मैं कितना इरिटेट होता हूँगा। चुपचाप बैठ के टीवी देख लो, तुम ही खा लो, ज्यादा बोलना आ रहा है। मैं तो मोटी ही अच्छी हूँ, नहीं तो आजकल की पतली लड़कियां मच्छर भी सोचता होगा खून देकर जाऊं या लेकर। अभी जिंदा हूं तो बात कर लिया करो, वरना मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू कर दी ना, ताबीज बनवाते फिरोगे।